सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 61,408 नए मामले आए सामने। 836 लोगों ने कोरोना से गवाई अपनी जान। एमपी के सागर में एसडीएम की रसोई सहित 17 नए मामले रविवार को आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 999 पर। सागर जिले के बीना के बसारी गांव के पास एक बाइक पर सवार तीन लोग अनियंत्रित होकर टकराए डिवाइडर से, तीनों लोग हुए घायल। सागर जिले के बीना में एसडीएम का रसोईया सहित पांच लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। वहीं गांधी वार्ड निवासी एक महिला की कोरोना के चलते भोपाल में हुई मौत, प्रशासन ने इलाके को बनाया कंटेनमेंट जोन। सागर जिले के बीना पुलिस ने बमोरी गांव में जुआ खेलते हुए 11 जुआरियों से 34,500 रुपए जब्त कर किया गिरफ्तार। सागर जिले के महाराजपुर पुलिस ने पकड़ी दो गाड़ियों में भरकर आई 25 पेटी अवैध शराब, 1,00,000 रुपए नकद बरामद, चार लोगों पर मामला हुआ दर्ज। गणेश प्रतिमा ना बैठने पर भाजपा नेता एवं संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने अपनी पार्टी पर साधा निशाना, भाजपा पर किए सवालिया निशान खड़े। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सीबीसी बैठक को लेकर बड़ा बयान, कहा कि कांग्रेस में सीबीसी ने सोनिया गांधी को बनाया था अंतरिम अध्यक्ष, अब चुनाव के जरिए ही बनेगा नया अध्यक्ष। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मुझे नहीं मालूम वो ट्वीट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से क्यों हम लोगों की प्रतिक्रिया चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बोले कुणाल चौधरी, गांधी परिवार के अलावा हम किसी भी व्यक्ति को नहीं करेंगे स्वीकार कांग्रेस का अध्यक्ष। स्पष्ट है गांधी परिवार के अलावा एक भी व्यक्ति कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं। एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान, आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बनाएंगे इतिहास, सभी सीटों पर भाजपा की होगी विजय। जनता पार्टी अच्छे मतों से विजयश्री प्राप्त करेगी। सागर जिले के खुरे की गड़ोला जागीर गांव में घरेलू विवाद के चलते 17 साल की किशोरी ने पिया कीटनाशक, इलाज के लिए सिविल अस्पताल में कराया भर्ती। कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बड़ी अंतिम तिथि, अब 31 अगस्त तक प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे एमपी के किसान। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।